तो वहीं हरियाणा के नांगल चौधरी के बिहारीपुर के पहाड़ पर अवैध खनन की वजह से खदान धस गई। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसके बाद खनन माफिया ने हादसे में घायल लोगों का गुपचुप तरीके से इलाज कराने की कोशिश भी की। नारनौल के डीएसपी और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर हादसे का जायजा लिया। मौके से विस्फोटक पदार्थ और खनन उपकरण बरामद हुए हैं। वहीं इसके साथ जिला प्रशासन भी सवालों के घेरे में है कि बिना लाइसेंस के विस्फोटक कैसे उपलब्ध हो जाता है। मृतक और घायल दोनों युवक राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस बाबत केस भी दर्ज कर लिया है। आप देखा तो कोई भी आदमी तो यहाँ कोई नहीं था, परंतु ये पता लगा कि जो एक आदमी जो दबा था पत्थर ऊपर गिरने से, उसकी एक की डेथ होगी और एक आदमी कुछ चोटे लगे। जो ही आगे तुरंत FIR दर्ज करके और शीघ्र ही जो है ना उनको अरेस्ट किया जाए। और इसमें थोड़ी बहुत लैंडस्लाइडिंग हुई है, लैंडस्लाइडिंग में एक कैजुअल्टी हुई है, एक इंजर्ड बताया जा रहा है। अभी ये जाँच चल रही है, अभी ये कन्फर्म तो नहीं हो पाया कि ये कहाँ के हैं, लेकिन राजस्थान के बताए जा रहे हैं। नांगल चौधरी के जैनपुर गांव में हुए खनन हादसे ने प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया, क्योंकि ये जो खनन हादसा है ये अवैध रूप से पत्थर का खनन किया जा रहा था। हालांकि मौके पर डीएसपी और एसडीएम आए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है कि मलबे के नीचे कोई दबा हुआ ना हो, लेकिन बात की जाए तो सूचना की, यहाँ पर सूचना है कि इसके नीचे दबने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और साथ ही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। लेकिन सवाल एक नहीं, यहाँ पर सवाल अनेक उठते हैं कि आखिर अवैध खनन किसकी आड़ में चल रहा है। दूसरा, यहाँ पर कई विस्फोटक पदार्थ भी जो है बरामद हुए, आखिर ये विस्फोटक पदार्थ आए कहाँ से? क्योंकि जब खनन वालों को जिनके पास लाइसेंस है सिर्फ उनके पास ये विस्फोटक पदार्थ पहुँच सकता है, तो ऐसे में इनके पास ये पदार्थ आए कहाँ से? कई सवाल हैं जिनके घेरे में प्रशासन खड़ा है, क्योंकि लगातार जो है अवैध माइनिंग का मामला सामने आया जा रहा है, अवैध माइनिंग हो जा रही है, आज भी ये हालात हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि इस हादसे के बाद पुलिस के हाथ तो कुछ नहीं लगा, प्रशासन के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन इन अवैध खनन करने वालों पर आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। नारनौल से जी मीडिया के लिए मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट।